श्री राधे। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। विगत 6 दिनों से आप हम सभी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं और ये धारा बहती बहती आज कथा के विश्राम दिवस पर पहुंच चुकी है। आपकी भाषा में कहूं तो आजे कथानो छेलो दिवस छे। अंतिम दिन नहीं है, लास्ट दिन नहीं है, विश्राम दिन है। विश्राम मतलब थोड़ा आराम करोगे, सोओगे तो फिर जागोगे भी। अंत तो माने अंत, लेकिन कथा का कभी अंत नहीं होता। कथा विश्राम होती है। एक स्थान पर विश्राम हुई तो थोड़े समय बाद दूसरे स्थान पर फिर से प्रवाहित होने लगती है। इसलिए विश्राम दिवस की कथा में आज आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। 7 दिन का अवसर हमें मिला सत्संग सुनने का। सत्संग क्या है, अगर इसकी परिभाषा शास्त्रों से पूछे तो हर संत ने अलग अलग परिभाषाएं बताई है, पर सब ने सत्संग की महिमा को जरूर गाया है। भागवत कह रही है, तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम्। भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। इसी बात को गोस्वामी जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, पर तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग, स्वर्ग का अपवर्ग माने मुक्ति मोक्ष, स्वर्ग का, मुक्ति का, ब्रह्मांड का सारा सुख एक पल्ले में रखा जाए और एक तरफ लव सत्संग। लव कहते हैं बाल के भी 100 हिस्से किए जाए, बाल की नोके उससे भी सूक्ष्म लव होता है। तो लव सत्संग यानी इतनी देर का सत्संग भी अगर हमें प्राप्त हो जाए तो उस सुख के सामने स्वर्ग का सुख भी फीका है। कबीर कह रहे हैं, भागवत ने कहा, फिर तुलसीदास जी ने कहा और फिर कबीर ने गाया, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए। रोने लगे कबीरदास जी। किसी ने कहा, रे आप तो महात्मा हो, महात्मा को मृत्यु से क्या डरना, जाते जाते रो क्यों रहे हो। कबीर ने कहा, मैं मौत से नहीं डर रहा। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए।
मुझे पता है मैंने कर्म तो इतने अच्छे किए हैं कि मैं वैकुंठ तो जाने वाला हूं, लेकिन अगर वहां मुझे सत्संग नहीं मिलेगा, उस दिन को याद करके मैं रो रहा कि वहां चला गया और मैं सत्संग से दूर हो गया। तो यकीन मानिएगा, जो आदमी सत्संग से प्रेम करता है ना, जो कथा से प्रेम करता है, उसको भगवान भी मिल जाए, आनंद तो आएगा, क्योंकि अंततः कथा का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। लेकिन भगवान भी मिल जाए उसके बाद भी वो भगवान की कथा को नहीं छोड़ेगा। कई लोगों को इसलिए कथा सुननी है कि उनको मुक्ति मिले, पर कई लोगों को इसलिए सुननी है क्योंकि जब वो कथा में 3 घंटे बैठते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि वो चेयर पर नहीं, सोफे पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, ठाकुर जी की गोदी में बैठे। और जैसे कोई गोदी में बैठे बालक को बड़े प्यार से दुलारता है, प्यार करता है, वैसे ठाकुर उसे प्यार कर रहे हैं।